बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मौत मामले में अब नया ट्विस्ट आया है। सोनाली की बहन रेमन फोगाट का बड़ा दावा, सोनाली के खाने में गड़बड़ी की बात कही है। दरअसल ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। रात में मां को फोन कर आशंका जताई थी, ये उनकी बहन ने कहा है। ये बड़े आरोप वो लगा रही हैं, रेमन फोगाट सोनाली फोगाट की बहन, जो ये कहती हैं कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया। सोनाली के शरीर में भी दिक्कत की बात कही थी, यानी सोनाली ने फोन जब किया था रात में तो उन्होंने बताया था कि उनके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो इनकी बहन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज जब खबर आई कि गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट की मौत हुई, उसके बाद से उनकी बहन का ये बड़ा आरोप आपको सुनाते हैं। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी, कहती 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी भी मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। बीजेपी ने एक्शन लिया है, यानी विधायक राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त की इस पूरे मामले में। राजा सिंह के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो आपको बता दें, धारा 153A, 295 और 505, यानी इन तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी मुस्लिमों से नफरत करती है, और इसी के बाद राजा की भी सफाई आई कि पैगंबर का अपमान नहीं किया, पैगंबर का तो नाम भी नहीं लिया। लेकिन फिलहाल राजा सिंह को हिरासत में लिया गया है। तो विधायक टी राजा सिंह बीजेपी से निलंबित कर दिए गए हैं, पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया है और 10 दिन में जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि विधायक टी राजा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है, कारण बताओ नोटिस भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है और 10 दिन में राजा सिंह को जवाब देना होगा। तो इस मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमलावर और ये कहते हुए कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, उसी के बाद से अभी फिलहाल जो जानकारी है कि बीजेपी ने टी राजा को निलंबित कर दिया। और आपको यह भी बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर तीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। राजा सिंह पर आईपीसी की धारा 153A, 295, 505 लगाई गई है। तो इन तीन धाराओं के तहत राजा सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है और अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो जानकारी है, और बीजेपी से भी टी राजा सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 10 दिन में जवाब देना होगा क्योंकि कारण बताओ नोटिस भी पार्टी ने जारी किया है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। जिस तरह से पूरे हैदराबाद में विरोध हुआ उसके बाद बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है टी राजा सिंह पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप ये भी जानिए। इसमें जो धारा लगाई गई है वो है 153A, शांति भंग करने का आरोप है इसके तहत। धारा 295, धर्म विशेष के लोगों के अपमान का आरोप है इसके तहत। धारा 505, वर्ग या समुदाय को उकसाने का आरोप इस धारा के तहत लगाया गया है। तो तीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के पैगंबर पर विवादित टिप्पणी का मामला बढ़ता जा रहा है। टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। वहीं इस मामले पर टी राजा सिंह ने सफाई भी दी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगंबर का अपमान नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता राशिद खान ने भी भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो कानून हाथ में ले लेंगे। यहां ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए।